Subhanallah bihamdihi rubbal alamin. Subhanallah bihamdihi rubbal alamin. Subhanallah bihamdihi. قال الله تعالى في قرآن مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدين الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل والبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया वइन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम। कई मुकाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मज़मून को बयान फरमाया है कि भाई इन तअद्दू निअमतल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी नेमतें तुम्हें दी हैं, इतनी नेमतों से नवाजा है कि वो अनगिनत हैं। आता उस शुमार करना चाहो भी, गिनना चाहो भी, कितने कंप्यूटर ले आओ, कितने तुम कैलकुलेटर ले आओ, कितनी तुम मशीनें ले आओ, तुम एक चीज़ नहीं गिन सकते। अल्लाह की नेमतें हैं, इस कदर अल्लाह ने नेमतें दी हमें जिसका हिसाब ही नहीं। अतू सुबह दो तरीके से नेमतें अल्लाह ताला की, एक तो खुद इंसान के वजूद पर अल्लाह की नेमतें हैं। अगर हम देखें अपने वजूद की, देखें अपने अंदर हम झांक के देखें तो मजमू नेमत ही अल्लाह ताला का। और ऐसी नेमत है कि सिवाय अल्लाह के कोई दे ही नहीं सकता, वो अल्लाह के सिवा मिल भी नहीं सकते कहीं से। कोई आंख बना के दिखा दे मुझे, नहीं बन सकती। ऐनक तो मिल जाएगी लेकिन आंख नहीं मिलेगी। नाक को वैसे बना के दिखा रहे, अंदर से सारी नसें चल रही हैं नाक की। इंसान के वजूद के अंदर आप देखें सांस का सिस्टम है, किडनीज का सिस्टम है, फेफड़ों का सिस्टम है, यानी आप सोच नहीं सकते। हालांकि बहुत एडवांस इस वक्त हमारे जो है रिसर्च चल रही है, लेकिन उनकी तहकीक बना नहीं सकती कोई चीज जो अल्लाह ने नेमत जो इंसान को दी है। तो अल्लाह ने दलील दे दी इस पर, इसलिए नेमत है। और फिर थोड़ी बहुत नहीं, यानी एक शुमार भी आप नहीं कर सकते इतनी नेमत है। सर को ले लें आप, मतलब बाल को गिन के दिखा दें मुझे कितने बाल हैं, नहीं गिन सकते आप। जितना नेमत है अल्लाह ताला की जो अल्लाह फरमा रहे हैं बिल्कुल चैलेंज है, क़यामत तक चैलेंज है, हो ही नहीं सकता ये, आप कर ही नहीं सकते। किसी को ना माने आप, अल्लाह को ना माने
लेकिन ये चैलेंज तो कबूल करके दिखाएं फिर सुभानअल्लाह। अगर आप चैलेंज आपको पूरा नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह को मान जाए, फिर अल्लाह को मानते ही नहीं, बिल्कुल साफ दलील है। तो दूसरी भी नहीं, एक इंसान के वजूद पर अल्लाह ने क्या बिनत है, दूसरी खुद जिस दुनिया में हम रह रहे हैं अलग है, उन्हीं की नेमतें भी देख लें आप। तो दो किस्म की नेमतें हैं, खुद हमारे वजूद पर और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें अल्लाह ने नेमतें हमें दी हैं। अब वो आप जहर में देख सकते हैं, ये तो अनफूस के अंदर है, ये जहर की नेमतें अल्लाह ताला की है, हवा पानी खाना पीना, शहद की मक्खी बना दें चलो मुझे आप एक, जिसके अल्लाह ताला ने कहा कि शिफ है, कितना खाते हैं, आ रहे जा रहे भर भर के खा रहे हैं। अगर ठीक है भाई, कोई एक फैक्ट्री लगा दें अपनी तरफ से एक शहद की, हर चीज की फैक्ट्री लग रही है ना, खैर लोगों ने तो लगा ली हो, जालीस शहद में मिल ही जाते हैं ना, वो थोड़े दिनों बाद दो चमचे खाए नीचे से फिर कुछ चीज निकलना शुरू हो जाती है उसमें से, तो आप शहद बना के दिखा दें। अल्लाह ताला कहते हैं मक्खी एक छोटी सी, इसमें क्या है, जहाज बना रहे हैं आप, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं, रिसर्च आपकी साइंस ठीक है, अल्लाह ताला कहते हैं एक मक्खी बना दें जो शायद दे दे आपको तो फैक्ट्री चल जाएंगी आपकी, कोई बना सका भाई अभी तक नहीं बना सका। और चैलेंज दिया कि आप उनको गिन भी नहीं सकते, मुर्गी मुझे गिन के दिखा दें कितने चिकन दुनिया के अंदर चले। अच्छा छोड़, जो बड़े शौक से सुबह नाश्ता होता है 2 egg विद ब्रेड विद चीज, ऐसी खाते हैं सुबह है, टोस्ट को क्या कहते हैं, ब्रेड पे कुछ टोस्ट लगा के ना, टोस्ट एंड ब्रेड विद 2 fried eggs। हम मुझे बता दें दुनिया में कितने अंडे अब तक आए, चले अंडा दिखा दें, अंडे को गिनते हैं। तो भाई अल्लाह का चैलेंज है, हमें जो आयत उतारी है अल्लाह ताला ने, इस चैलेंज दिया किस लिए दिया, वजह क्या है इसकी, वजह उसकी है। कल ने अपना तो जिक्र ही नहीं किया, बोले सुभान अल्लाह, अपना जिक्र किया अल्लाह ने नहीं, अल्लाह तो अपनी नेमतों का जिक्र कर रहे हैं। देखिए क्या बेहतरीन नुकता है इसमें, आपको समझाता हूं, जब आदमी किसी पे एहसान करता है ना, मुझे किसी ने गाड़ी दे दी, मकान दे दिया, गाड़ी दे दी, चलो कुछ मेरे पे एहसान कर दे, कुछ चीज मुझे दे दी, उधार दे दिया, पैसे दे दिए, तो इंसान के अंदर एक फितरत है जिस तो अल्लाह ने बनाया ना, कि एक तो भूलना, एक होता है एहसास का खत्म हो जाना, एहसास समझते हैं, एहसास दूसरी चीज है, भूलना दूसरी चीज है। मेरा तजिया आपको पसंद आया तो छोड़ दें, लेकिन जो मैं समझ रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, जो भूलना दिमाग से होता है वो डिफरेंट है, वो तो आता जाता रहता है, लेकिन एहसास का जो भूलना होता है वो बड़ा खतरनाक है, उसका तो इंसान का एहसास ही खत्म हो गया, सेंस ही खत्म हो गया। तो जब कोई इंसान आसान कर दिया, उसने कोई आपको चीज दे दी, मुझे चीज दे दी, मकान दे दिया, किसी किस्म को दे दिया, तो इंसान के अंदर एक आदत है कि न सिर्फ को भूलता है बल्कि उसका एहसास भी खत्म हो जाता है। अक्सर देख लें आप ऐसे बड़े बड़े आसान किसी ने किए होते हैं, आदमी मुंह फेर लेते हैं, कौन है आप, तो आप नहीं, ये तो मैं खुद किया, मैं तो मैं मेरे था, ये उल्टे हिसाब हो जाते हैं। या हम दुनिया आप किस्सा देखेंगे, तो अगर वो भूल भी गया है दिमाग से, वो दिमाग से नहीं भूलता, ये इंसान एहसास से भूलता है। तो लॉजिकली आप देखें, जब किसी ने आप किसी के मौसम को याद कराएंगे कि ये तो आसान किया है, तो उसको डायरेक्ट उसका नाम लेंगे, ऊँ करेगा। जब आप कहेंगे ना कि गाड़ी तुझे मालूम, उसके पहले उस चीज का जिक्र करेंगे जो उसने उसको दी है, कि देखो ये गाड़ी है ना तुम्हारे पास, तुम्हें पता है तुम्हें किसने दी है गाड़ी, जानते हो तुम्हें कितना बड़ा आसान किया, तो फिर ओ हाँ उसने मुझे दिया था, फिर वो याद आता है जिसने उसको आसान किया है।
डायरेक्ट उसको बताएंगे तो आसान नहीं याद करेगा, लेकिन जब उस चीज को बताया जाएगा ना उसको जो उसने दी है, तो फौरन उसका जमीर जागेगा, फिर वो फील करेगा यार हाँ चीज तो उसी की यार मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उसमें शर्म भी आएगी, फिर उसका एहसास जागेगा। बड़ा डीप पॉइंट बता रहा हूं आप, तो ये तो अल्लाह की किताब है। अल्लाह ने हमारे जमीनों को उजागर किया है, जगाया है इस पैगाम के जरिए। अपना नाम नहीं लिया बल्कि क्या क्या अपनी नेमतों का नाम लिया है, सुभान अल्लाह। मतलब असल में यह है कि नेमतों के जरिए अल्लाह ताला अपनी तरफ लाना चाहते हैं हमें। ये तुझे आंख, ये आंख देख रहा है, हाँ जी मैं देख रहा हूं, कि दी किसने, फिर कौन याद आएगा, अल्लाह याद आएगा। तो अल्लाह ने यह तस्करा किया है नेमतों का, ताकि इन नेमतों को तुम याद करोगे तो तुम्हें कौन याद आएगा, तुम्हें फिर अपना रब याद आएगा। तो नेमतों को याद करने का जो अल्लाह ताला ने तस्करा फरमाया है, इसीलिए कि हम वो इंसान जब अल्लाह को भूल जाता है, और इसीलिए अभी नुकता सुनने साथ है, इंसान जब अल्लाह को भूलता है जाहिर है तो फिर अल्लाह का नाफरमान होता है, फारिग हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो दो किस्म के एहसास होते हैं इंसान के, देखें जिसमें बताया दिमाग का एहसास कर, जब एहसास मिट जाता है, इतना एहसास मिट गया, इतना एहसास मिट गया कि बाज लोगों ने तो अल्लाह को मानने जोड़ दिया, इज नो गॉड, ये तो हम कर रहे हैं, ये तो हमने किया है, ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी कर रही है, ये तुम्हारा फला है, तो हम इसलिए तरक्की करते हैं, हम तो फला करते हैं। एक इंसानों का तबका, इंसान है ना सब, उसने तो इतना एहसास दब गया, उसने कह ही दिया कि अल्लाह है ही नहीं, ये शीख कर दिया अल्लाह के साथ, इतना खत्म हो गया उनका एहसास। वो कहते ही उनको पता ही नहीं नेमतों का कुछ हिसाब ही नहीं है। लेकिन दूसरा तबका जो ऐसा है कि इस कलमे की बरकत से, जिनके पास ये कलमा पहुंच गया है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, एहसास उनके भी मुर्दा हो गए, लेकिन उनके मुर्दा इतने न्यूए कल्ला को भूल गए। ये कलमे की बरकत है, याद रखो जो कलमा होगा वो कभी अल्लाह के इनकार नहीं करेगा, बल्कि वो क्या होगा, बस उसको अल्लाह उसी वक्त याद आएगा, कभी रमजान आ गया, कभी कोई हज आ गया, या कभी कोई ऐसी बात त्यौहार मना लिया, या कभी कोई बात ऐसी हो गई, उस वक्त उसको अल्लाह कभी याद आता है, वरना और कभी उसको अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है, बस डिम हो गई उसकी ताल्लुक जो अल्लाह के पास, भूल गया एहसास, खत्म हो गया उसका। तो नियमतों को क्या याद करेगा अल्लाह ताला की, तो अल्लाह ताला की जितनी नियमतें उसको दी गई होंगी वो सारी गलत इस्तेमाल करेगा, रोंग में जाएंगी सारी, गलत जाएंगी, और ये अल्लाह की सजा है कि अल्लाह को भूला है तो अल्लाह ताला ने उससे अपनी नियमतों को भी भुला दिया, ताकि उसका गलत इस्तेमाल करे, सही इस्तेमाल कर ना सके उसका, ये पनिशमेंट होती है उसको। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने, अब हकीकत क्या है कि असल चीज जो है अल्लाह को याद करना है, अल्लाह को भूलना नहीं है। इसीलिए अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें कहा है फस्तुल्ला कसीरन लअल्लकुम तुफ्लहून, सुभान कि जिक्र का जो अल्लाह ने जिक्र इतना जबरदस्त कुरान के अंदर अपना बार बार तस्कर किया है कि जिक्र करो, जिक्र करो, कसर जिक्र को अपने लिए नहीं कह रहा कि मुझे याद करो, उसको जरूरत नहीं है हमारी याद की, उसको जरूरत नहीं है हम बैठ कर उसको अल्लाह अल्लाह करें, उसके नाम लें, उसकी तस्वीर करें, उसको या, उसको तो उसके ताल्लुक नहीं है इससे, उसके करने वाला जिसको हम बेजान समझते हैं वो हमसे ज्यादा अल्लाह को याद कर लेता होगा। ये दीवारें याद कर रही हैं, दरवाजे याद कर रहे हैं, ये समा याद कर रहा है, ये मिट्टी याद कर रही है, कप याद कर रहा है, ये पानी याद कर रहा है, जो दुनिया के अंदर तखलीक है जिसकी जो काम देख सकते हैं वो सब याद करते हैं अल्लाह ताला। भूला वो इंसान है जिसके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई वो भूल चुका है, लेकिन जो उसके लिए चीजें बनाई गई हैं, जिस आदमी के लिए चीजें बनाई हैं, वो सब अल्लाह के जिक्र के अंदर है। कितना ताज्जुब की बात है कि खैर जिक्र करने वाला जिक्र करने वालों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अल्लाह की नेमतों को खा रहे हैं, सब चीजें अल्लाह की जो है वो जिक्र कर रही है, पूरी कायनात
पूरी कायनात सर्रा सर्रा अल्लाह को याद कर रहे अपनी अपनी तस्वीयात के साथ, कोई है ही नहीं। ये कुरान कहता है सब लिल्लाह मासमावात, हर चीज जमीन आसमान के जो है अपने रब को पुकारता है। गाफिल होता तो कौन होता है? इंसान होता है। जब वो गाफिल होता है अल्लाह को भूलता है तो फिर अल्लाह को भूल गया, हर चीज भूल गया अल्लाह की। तो इस चीज की अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बार बार फरमाया है कि तुम मुझे याद करो याद करो, जब याद करते रहोगे तो मैं तुम्हें याद रहूंगा, जब मैं याद रहूंगा तो मेरी नेमतें भी तुम्हें याद रहेंगी और तुम्हारा मेरा ताल्लुक चलता चला जाएगा, फिर तुम नाफरमान कभी नहीं होगे। इसलिए कहा है तफलहून कि जिक्र करने वाला शख्स कभी अल्लाह को नहीं भूलता। जिक्र का और कोई मतलब ही नहीं है। ये सूफिया हजरात जो जिक्र कराते हैं ये कोई बुजुर्गी के लिए नहीं, कोई बहुत कोई अजीब चीजों के लिए नहीं, कुछ नहीं। याद कराने का मतलब यही है कि जब अल्लाह को याद करता है इंसान, भूल जाता है तो खत्म हो जाता है। तो उसका एक तरीका अल्लाह ताला ने बता दिया कि तू मुझे भूल नहीं सकता अगर तू मेरा जिक्र करता रहेगा। और उसने ये कहा है, टाइम भी दिया कि अगर सुबह और शाम मुस्तकिल तू मेरा जिक्र करेगा, सब भी हो बकत सीधा, हर जगह अल्लाह ने टाइम दिया है कि सुबह जब शुरू हो उस वक्त तू मुझे याद कर लिया, फिर जाज वो करता रहे, और जब शाम होने लगे सुबह इशा के बाद मगरी के बाद उस वक्त तुम मुझे बैठ के याद कर लिया कर। दैट्स ज़िक्रुल्लाह, नथिंग एल्स। लेकिन हमारा क्या हाल है, अल्लाह को हम भूल गए हैं, मामले सारे मार खाब हो, इससे हम अल्लाह को भूल गए। तो इतना लाजिम है आज ये जिक्र हमारे लिए। अपनी हालतों को देखें, हम अपनी कंडीशन को देखें कि हमारा रब के साथ ताल्लुक क्या है। क्या हम वो करते हैं जो अल्लाह ने बताया है? अल्लाह ने कहा झूठ मत बोलो, झूठ बोलते हैं। अल्लाह ने कहा किसी की ज्यादती मत करो, हम ज्यादती करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जुल्म मत करो, हम जुल्म करते हैं। जो अल्लाह ने मना किया जिन चीजों को वो तो करते हैं, और जिसका हुक्म दिया हम नहीं करते। तो ताल्लुक कहां अल्लाह का हमारे साथ रहा? सिर्फ हलाल चीज खाने से ताल्लुक बन जाता है इंसान का, या कोई छोटा सा एक अमल करने के बाद ताल्लुक बनता है? मुकम्मल ताल्लुक तो अल्लाह ताला का ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म और फरमान के मुताबिक इंसान की जिंदगी गुजरे। ऐसा दीन, जो दीन पर चलेगा वो कभी गलत इंसान नहीं हो सकता। वो किसी की ज्यादती नहीं करेगा, जुल्म नहीं करेगा, सियासत नहीं करेगा, बुरी हरकतें नहीं करेगा, तो सादिक को सच्चा और अमीन इंसान होगा। उसके सामने कुरान हकीम होगा, कुरान के मुताबिक उसकी जिंदगी होगी। तो इलाज क्या है इस चीज का जो बताया रहा है हमें कुरान? नेमतों के जरिए अल्लाह ताला एहसास ला रहा है कि ये तुम्हारे एहसास को उजागर कर रहा हूं कि जिस वक्त ये मेरी नेमतें तुम्हें याद आएंगी, इस नेमतों की कदर होगी, तो यकीनन तुम्हें फिर तुम्हें अपना रब भी याद आएगा नेमतों के जरिए से। मकसूद अल्लाह का क्या है कि तुम मुझे भूलो मत, मुझे याद करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है फिर इसी आयत के आखिर में देखें, इन्ना अल्लाह लगफूरुर रहीम। यहां तो जिक्र नेमतों का है, तो यहां अल्लाह ताला आयत को गफूर रहीम पर क्यों ले आया? कोई गुनाह की बात तो है ही नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। कोई गुनाह तो किस्सा है ही नहीं, तो फिर गफूर के क्या मतलब? यहां तो अल्लाह ताला कह रहा है नेमतों तुम मेरी नेमतों को याद करो, तुम भूल चुके हो। इतनी और नेमतें लाता तू खड़ी हुए, तुम मेरी नेमत पर, ये सांस चलना फिरना सब नेमत है, खेले जा रहे हो तुम, लेकिन तुम मेरी नेमतों को इसका मतलब समझिए कि नेमतों को तुम विस्तार नहीं कर रहे जिस तरह मैंने तुम्हें कहा इस्तेमाल करने के लिए। आंख से देख तो रहे हो, लेकिन तुम देख क्या रहे हो? वो चीजें देख रहे हो जो तुम्हारे लिए मैंने मना की हैं कि गुनाह है, ये मैं पसंद नहीं करता, मेरी इस दी हुई आंख से तुम ये फेल करो, ये काम करो। तुम जो उस आंख से वो काम करते हो तो मेरी नेमत की तुम क्या करते हो? ना कदरी कर रहे हो, कदर नहीं कर रहे। ये आंख मैंने तुम्हें दी है कि इस काम के लिए दी है, सुभान अल्लाह। ये जबान मैंने एक मकसद के लिए दी है। हर चीज जो जुज है तुम्हें वो मेरे हुक्म के मुताबिक है, मैंने तुम्हें दी है, मैं इसका मालिक हूं। जब तुम उसके मुताबिक इसको इस्तेमाल करोगे तो यकीनन
तुम उसकी कदर कर रहे हो, तुम उसका हक अदा कर रहे हो, लेकिन जब उसी नेमत को तुम गलत इस्तेमाल करोगे अपने नफ्स अपनी मंशा के मुताबिक, तो तुम हकीकत में अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, इस नेमत की नाशुक्री कर रहे हो। तो नेमतों से देख तो रहे लेकिन वो क्या हम अल्लाह के मुताबिक कर रहे हैं काम नहीं, इसका मतलब हम नेमतों की कदर नहीं कर रहे, उसी को एहसास दिला रहे अल्लाह ताला। तो यहां इस आयत को अल्लाह ताला खत्म फरमाते हैं, लगफुर रहीम, हालांकि कोई गुनाह का किस्सा ही नहीं है। जी हां, हकीकत तो यही है। अल्लाह ताला कहते हैं जिस वक्त जिस नेमतों में आपसे तस्करा किया है कि बेशुमार ला तादाद हैं, अगर तुमने इस नेमतों का हक अदा किया, वही हक जिस वजह से मैंने तुम्हें ये नेमत दी है उसके मुताबिक इस नेमत को तुमने खर्च किया इस्तेमाल किया, तो फरमाया जब तुम वो काम करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ला गफूर रहीम, शर्ती अल्लाह ताला ने कहा है। तो गोया अल्लाह ताला की इस नेमतों को जो हमें अता फरमाई गई हैं, इसको अगर अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला का वादा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे गुनाहों को खत्म कर दूंगा। क्योंकि देखें ना, फिर भी इंसान से गुनाह तो हो ही जाते हैं ना, इंसान जो है कदर फिक्र ना कर, तो बस मेरी नेमतों को सही इस्तेमाल करता रहे, तो जो कुछ से गुनाह होते रहेंगे अल्लाह वादा करता है मैं उसको माफ करता चला जाऊंगा। ला गफूरुर रहीम फरमाया, आगे मुबालिगा रहीम पे फरमाया कि ना सिर्फ माफ करूंगा बल्कि क्या है, रहीम हूं, उस नेमत को और बढ़ा दूंगा मैं तुम्हारे लिए। यानी आंख को तूने सही इस्तेमाल किया, आंख को अगर तू सही इस्तेमाल किया तो तेरी इस नेमत को जो मैंने तू दी है इसको मजीद बढ़ाता चला जाऊंगा तेरी आंख को। सुभान अल्लाह, क्या मतलब, कहने की नहीं लगेगी, नहीं सुभान अल्लाह, कि फिर इस आंख की नेमत को बढ़ाने का मतलब यह है कि फिर ये आंख अल्हम्दुलिल्लाह वो आंख बन जाएगी कि सिर्फ दुनिया तक नहीं बल्कि अल्लाह की तजलियात का मुशाहिदा भी करने लगेगी। सिर्फ कुरान पढ़ेगी नहीं, कुरान से वो नूर नजर आएगा सिर्फ कुरान का, उस आयत के अंदर मफहूम को भी समझेगी वो आंख, हकीकत को पहचानेगी फिर वो आंख। अगर तुम इसकी कदर की, एक आंख की बात करूं, इसी तरह अल्लाह के पूरे पूरे वजूद के लिए उनको हम इस्तेमाल करेंगे अल्लाह के साथ सही माने में, तो अल्लाह कहता है रहीम हूं मैं, इसको मजीद बढ़ाता चला जाऊंगा। बात समझ आएगी भैया, नुकता समझ गया कि अल्लाह की दी हुई नेमत इतनी लाताद नेमतें, साफ अल्लाह ने फरमाया उन नेमतों को अगर तुम सही इस्तेमाल करते रहे कदर करते रहे तो यकीनन तुम सही शुक्र कर रहे हो नेमतों का, सही कदर कर रहे हो, तो मैं तुम्हारा रब कहता हूं कि फिर तुम ऐसे मेरे पास आओगे गुनाहों से बाकी होगे बिल्कुल। और जो नेमतें तुम्हें दी हुई हैं यानी पूरा जिस्म तुम्हारा, उसमें बरकतें ही बरकतें होंगी अल्लाह के फजल से। अब देखने हमारे पास कैसी कैसे मामला तो प्रॉब्लम, कैसी कैसी बीमारियां, कैसे कैसे मसाहे, पूरा जिस्म हमारे पास है, कभी पेट में दर्द, कभी हाथ खराब, कभी उंगली खराब, सब अल्लाह का दिया हुआ है ना, तो कैसा बेहतरीन इलाज बताया कि तू वो काम ना कर इन चीजों से जिससे मैंने मना किया है तुझे, तो फिर तू मेरी सिफत देखेगा कि मैं कैसा गफूर हूं और कैसा रहीम। शुक्र तुम लाजी दन रखूं, कुरान कहता है तू शुक्र करके तो देख मेरी नेमत का, शुक्र से मुराद उसको सही इस्तेमाल कर तो देख, देख मैं उसको कैसे बढ़ा दे दूंगा तेरे लिए इंशाल्लाह। जी हां, अल्लाह ने अपनी नेमत का जिक्र फरमाया, ये तो एक नेमत है जो अल्लाह ने बताई हमें। तो मैं आज से एक अर्ज करना चाहता हूं ये कि उस नेमत का क्या हिसाब होगा, उस नेमत पे क्या इनाम होगा, उस नेमत की क्या असमत होगी कि जिस नेमत का अल्लाह सुभान ताला ने बस एक ही दफा एक ही बात की है, वो भी नेमत है, उस नेमत की एक बात की अल्लाह ताला ने और कहीं नेमत के साथ वो चीज नहीं लगाई। देखें आप जरा दुनिया की किसी नेमतों के साथ लाकासुआ बिनतहा लातादाद दुनिया में नेमतें हैं, लेकिन किसी के अल्लाह ताला के साथ एक वो काम नहीं किया, वो चीज नहीं लगाई, सिर्फ एक नेमत के लिए कहा है, एक नेमत के लिए कहा है, क्या कहा है कि मैंने ये नेमत देकर तुम पे एहसान किया। अल्लाह हुआ।
आप अंदाजा लगाए वो क्या नेमत होगी। किसी नेमत के बारे में अल्लाह ताला ने कहा मैंने आसान किया, किसी नेमत के बारे में आसमान चांद सूरज सितारे समंदर कुछ भी है जो दिए पूरी दुनिया के एक सारी नेमतों को एक तरफ रख दो, लेकिन वाहिद एक नेमत है जिसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरा एहसान है तुम पर। लकद मिन अल्लाह अल्मुमिनीना सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह लकद मिन अल्लाह अल्मुमिनीना। वो क्या नेमत है अल्लाह ताला कहता है वो खालिस कहता है वो मोमिनों को मैंने दी है, खालिस नेमत ऐसी है कि जो मोमिनों को मैंने ये नेमत दी है और ये एहसान है मेरा। आप बताए वो कितनी बड़ी नेमत होगी जिसके लिए अल्लाह कहा ये मेरा एहसान है कि मेरा एहसान है जो मैं तो सिर्फ मोमिन को नेमत दी है। तो आप उसको देखें कि उसका किस दर्जे पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए, उस नेमत का किस दर्जे पे जाके कदर करनी चाहिए, किस मुकाम का हमें उसको कदर करनी चाहिए। कुरान ये हमें एहसास दिला रहा है उसको कि वो एहसान जो हमने मोमिन को दिया मेरा एहसान है उन पर वो क्या है। इस बासा फीहिम रसूलन सुभानअल्लाह वो एहसान क्या है मेरा कि तुम्हें मैंने अपना एक हबीब ऐसा रसूल अता फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने जो अपना नबी भेजे हैं हमारे पास और उस नबी पे हम ईमान दिया है और हमारी जबानों से अल्हम्दुलिल्लाह ये कराया मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह कहता है इतना बड़ा एहसान है मेरा कि किसी नेमत का इसका मुकाबला नहीं है। ये असल एहसान है, आंख दे दी कोई आसानी, दांत दे दिए कोई आसानी, पेट दे दिया कोई आसानी, मुंह दे दिया कोई आसानी, खाने को हवा दे दी रोटियां दे दी तुम हर चीज जो मैंने दे दी कोई मेरा आसान तुम पे नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा आसान है जो मैंने तुम्हें दिया है कि मैं तुम्हें अपना रसूल अता फरमा दिया। बस मेरे भाई अब एक सवाल अब हम हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला इस कुरान में अता फरमाते हैं तो बताएं भाई इस एहसान की हम कितनी कदर कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहता है इस एहसान का हम कितना शुक्र कर रहे हैं। तो जब उन एहसानों के बारे में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जो अनगिनत मैंने तुम्हारे वो नेमतें दी हैं उसके बारे में अल्लाह ताला ने इतनी बात कही है तो इसके बारे में अल्लाह ताला कितना कितना जबरदस्त हमसे हिसाब लेंगे कि जो नेमत जिसमें तुम पे एहसान किया था स्पेशल चीज थी उसकी तुमने कितनी कदर की उस पर तुमने कितना शुक्र किया। शुक्र तो हम समझ गए कि शुक्र कैसे किया जाएगा किसी नेमत का तो पता चल गया हमें कि आंख का शुक्र कैसे अदा करेंगे मुंह का शुक्र कैसे करेंगे। शुक्र अदा उसी वक्त होगा जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहां भी है कि अल्लाह सुभान अल्लाह जो एहसान हम पे किया है नबी पाक के साथ हमें उम्मती बनाया है तो अब इसका शुक्र कैसे अदा करें हम अल्लाह ताला का। आजकल कर रहे हैं लोग शुक्र अदा ना इस एहसान का, याद बहुत पढ़ते हैं आजकल। मेरे भाइयों शैतान और नफ्स बहुत बड़ी चीज है, शैतान और नफ्स ये बहुत बड़ी चीज है। सच्चे रास्ते पे चलना सीधे रास्ते पे चलना याद रखें ये बहुत दुश्वार है। उस वक्त तक जब तक कि कोई रहबर आपके साथ ना हो, ये मैं अपना फिक्र नहीं कह रहा, ये मैं अपने शेख का फिक्र आपके सामने पेश किया। कितना तजर्बे करके देख लें आप दुनिया के अंदर कि जिनके सादिक रहबर नहीं होते, सच्चे लोग उनके साथ नहीं होते, कौन मा सादिकीन जिसको कुरान ने कहा है। अगर तुम बचना चाहते हो किसी सादिक सच्चे अमीन शख्स को साथ लेकर चलो इस रस्ते पे तुम बेहद फरमाते थे कि इतना दुश्वार रास्ता है ये कि इतने जबरदस्त दुश्मन है इस रास्ते के अंदर एक नफ्स और एक शैतान कि तुम्हें वरगला लेंगे। हाँ अगर तुम्हारे सच्चा सादिक तुम्हारा चलाने वाला है जिसके साथ तुम चलने वाले हो जिसकी दोस्ती को तुम करार करने वाले हो
कुरान भी गारंटी देता है, कूनू मा सादिकीन, तू उसके साथ बैठ चल, अल्लाह का वादा है कि तू तकवा मुत्तकी बन जाएगा उसके साथ। बात समझ आई? तो अब यहां सबसे बड़ी बात है कि हम अल्लाह की इस बड़े एहसान का किस दर्जे पे शुक्र अदा कर रहे हैं। अब क्या है कि जी हम तो शुक्र अदा कर रहे हैं, क्यों? हम तो बस ये काम करते हैं, वो कर लिया, फलां कर लिया, मैं क्या बताऊं? आप समझते जाए जो जो कुछ हो सकता है कर लिया, वो सब अपने लिए कर रहे हैं, खाना हम खा रहे हैं, महजूज हम हो रहे हैं नातों पर महजूज, वो तो आपका नफ्स है सारा कुछ। ये शुक्र अदा हो ही नहीं रहा अल्लाह के, अल्लाह के नबी का, इतने बड़ा नेमत का शुक्र अदा हो ही नहीं रहा। और याद रखें कि अगर बेशुक्र है, इस नेमत के हम बेशुक्र नाशुरों के होकर मरे तो किसी हालत में हमारी बख्शिश हो नहीं सकती। याद, ये मामूली चीज नहीं है जिस पर अल्लाह ने एहसान जताया है। और अगर इस नेमत के शुक्र करते हुए चले गए तो आम नेमतों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम फरमाया है, तो इस नेमत का क्या अल्लाह ताला बदला देगा? अंदाजा लगा कितना बड़ा बदला होगा। फत्तबिउनी युबुकमुल्ला, इसकी उस इस नेमत को अदा करने में क्या इनाम मिलता है? अल्लाह की महबूबियत मिलती है, युबुकमुल्ला अल्लाह मिलता है, अल्लाह की महबूबियत मिलती है। तो गोया जो नबी पाक सम का अल्लाह ने जो हमें हम पर इतना बड़ा एहसान किया है उसका हम अगर शुक्र सही तरीके से अदा किया, उसकी कदर की, तो अल्लाह ताला कहता है कि वो बंदे कौन होंगे? वो महबूबीन होंगे मेरे, उठाए जाएंगे। तो सबसे ऊंचा दर्जा होगा इनका, याद रखिए, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े अल्लाह की नेमत की कदर की होगी और शुक्र अदा किया होगा। बातें समझ रहे भाई जी? ये आज के दौर के इस जमाने के लिए सच्ची और सही मौत के लिए पैगाम है। आप सुन रहे आप कि वही लोग सच्चे रास्ते पे होंगे आखिरत में, कामयाब वो लोग होंगे जो इस नेमत का हक अदा किया होगा, जिन्होंने शुक्र अदा किया होगा। बाकी सब ड्रामे हैं, मैंने इतना वो किया, मैंने इतना ये किया, मैंने फलाई किया, इतने अज किए, इतने जगात, कुछ नहीं चलेगा। अल्लाह ताला सबसे पहले पूछेगा मेरे इस एहसान का तुमने शुक्र कितना अदा किया? जी मैंने तो किया, बहुत लंबा जुलूस होता था जनाब, बड़े ये होते थे, फला होता था। जी पूछे ना, अब तो ये हो गया कि अच्छे खासे लोग सोचने भी मजबूर हो गए कि ये सही, ये रास्ता सही तो नहीं है, यही कर लें भाई। भाई लोग ज्यादा हैं इनके साथ, रौनकें बहुत हैं, तमाशे बहुत ज्यादा हैं, कंफ्यूज होगी दुनिया। मैं सही बता रहा हूं आपको, वो चीज नहीं रही अब तो। बल्कि मैं कहता हूं कि जो पहले नहीं मानते थे उनमें वो नहीं बोलने लगे हैं, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हो गए बोलना, क्योंकि अब तो जमाना जो है आपको पता है कि भी इसका जमाना है, क्या कहते हैं इसको, इंटरनेट का, ऑनलाइन का जमाना है, हर जगह मुशाहदा कर सकते हैं कि कौन क्या बातें कर रहा है। दिमाग घूम गए इंसानों के, लेकिन खबरदार ये मजमा जो है ना, स्पेशल मजमा है दोस्तों, ये अल्लाह के जिक्र का मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह हक हक और सच बात का मजमा निकलेगा यहां से। बात कड़वी लगे लेकिन दिल वाली उतरती चली जाएगी दिल पर, अल्हम्दुलिल्लाह। कंफ्यूज हो गए नहीं आदमी किसी तरीके से भी कि हम गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि वो कुरान है जो बता रहे हैं आप, कुरान ही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। आखिर वहां अब सुई उधर अटकी है कि आप अल्लाह ताला हमसे सवाल करता है जो मेरी सबसे बड़ी नेमत है उसका तूने शुक्र कैसे अदा किया, उसके एहसान का बदला तूने कैसे दिया, क्योंकि इससे बड़ी कोई नेमत है ही नहीं मेरी, और नेमत दी भी मैंने तुझको थी। तो हम खड़े हो जाएंगे जी मैंने इतनी नमाजें पढ़ी एक साइड बोझा, इतने कुरान पढ़े एक साइड बोझा, इतने हज किए एक साइड बोझा, इतने जुलूस निकाले, इतनी नातें पढ़ी, इतना फलां किया, सब ग्रुप के लोगों को जो जो आशिक रसूल हैं, सबसे सवाल होगा। हर आदमी दावा करेगा जी मैं आशिक रसूल हूं, मैं पक्का रसूल हूं, मैं तो मानने वाला हूं, मेरा काम यह था, मेरा मजमा इतना था, लोग मेरे पीछे पड़े थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ये नक्शा
भी साफ कर दिया इसी कुरान के अंदर। और अल्लाह ने वो तरीका बता दिया कि जिसने ये तरीका अख्तियार किया उसने हकीकत में मेरे इस एहसान का बदला अता फरमा दिया। तो बस बड़ी आसान बात होगी कि अगर इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहते हैं तो जैसे अल्लाह फरमा रहे हैं वैसे करें, शुक्र अदा हो जाएगा। लेकिन जो अल्लाह ने तरीका बताया है वो हमने छुपा लिया, उसको बहुत बिल्कुल कमजोर कर दिया, उसको तो बिल्कुल साइड पे लगा दिया। और जो शैतान ने तरीके बताए हैं उसको हमने ऊपर कर दिए कि हम जी अल्लाह ताला के एहसान का बदला उतार रहे हैं, बड़े झुमझुम के शायद कौन पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ लेने शायद कुछ अल्लाह ने फिर कहा है कि मैंने तुम्हें एक रसूल भेजा और ये मेरा एहसान है बहुत बड़ा मोमिन पर। और उसके साथ आगे अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वह युतु आयत है कि जो मेरा रसूल आया है जो भेजा है तुम्हारे तब मैंने भेजा है वो करता क्या है, सुभान अल्लाह, वो क्या करता है, किस लिए भेजा है, क्या 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 उसने किया है, तुम्हें क्या दिया है तुम्हारे पास आया जो मैं इतना बड़ा आसान कह रहा हूं। मयुतु ही माया तक अल्लाह ताला सबसे पहले कहता है कुरान, रसूल लेकर आए कुरान, और फिर इसी साथ फरमाते हैं युज़किम तस्किया, और फिर क्या फरमाया युल किताबुल हिकमा, सिर्फ कुरान ही नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए नहीं आया, सिर्फ कुरान ये नहीं है, फरमाया कि उसके साथ तो हिकमत भी है। क्या मतलब कि पूरी शरीयत दी आपने, पूरा फिका दिया है, पूरा कानून दिया है, बड़ा साफ और क्लियर मैसेज आ गया कि अगर तुम मेरे इस एहसान का कदर करना चाहते हो, बदला उठाना चाहते हो या शुक्र करना चाहते हो तो वही शुक्रगुजार बंदा होगा जो ये काम करेगा कि अल्लाह के रसूल जो किताब लेकर आए हैं और जो हिकमतें और शरीयत जो फिका जो कानून इस किताब के जरिए से निकला है वो बताया है, और सिर्फ पढ़ के नहीं बताया बल्कि अमलन बताया है, करके बताया है, हूबहू बताया है, जिस तरह अशर सद्दीकर ने फरमाया, किसने पूछा जी आपके अखलाक कौन है, कहते ये कुरान, सुभान अल्लाह, कुरान और अल्लाह के नबी की जो जात बिल्कुल मिलते जुलते एक साथ कि वो किताब और ये तफसीर, सुभान अल्लाह, उधर हुक्म इधर अमल, तो सबको अल्लाह ने मिला दिया, जो किताब जो तू आए थे तुम, यही किताब जो है जिसमें से आप निकलेंगे सारे मामलात, अल्लाह के नबी वादा तो पढ़ पढ़ के बताएंगे कि देखो ये है, देखो ये है, पढ़ से मुराद क्या कि एक एक चीज समझाएंगे साहबा कराम को, हिकमत बताएंगे, फिका बताएंगे, शरीयत बताएंगे, और फिर जक्के हिम कि जिस इंसान ने अपने आप को पाक किया, साफ किया, क्लीन किया, किस तरीके से, पानी से नहीं, परफ्यूम से नहीं, साबुन से नहीं, बल्कि किस चीज से साफ किया, सुभान अल्लाह, तस्किये का मतलब बताया जा रहा है आपके, तस्किया होता क्या है, तसव्वुफ जिसको कहते हैं सूफीज्म, यह है क्या, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट, इसका मतलब क्या है सूफीज्म का मतलब, ना ये डांस है ना ढोल धड़प पे गाने, कुछ नहीं है सूफी मतलब, कहते ये सूफी बड़ा अच्छा है, ये वो फला करता है, ये वो फला, सूफीज्म को भी एक अजीब चीज बना दिया, सूफी मतलब सबसे निकला है सफाई तस्किया इंसान का, जिसको कुरान कहता है, ये कुरान से निकला है चीज, तस्किया पाक साफ सफाफ, इसको आपने गलत रंग दे दिया तो है एक, एक सही होता है एक गलत होता है, पूरी दुनिया में दो चीजें मिलती हैं, एक सही तस्किया है एक बनावटी तस्किया है, एक सही शहद है एक बनावटी शहद है, एक सही दूध है एक बनावटी शहद है, जो सही तस्किया है उसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे, बाकी वो बनावटी है जो कुरान कहता है। मैं कहता हूं मैं किसी शेख के पास चलता हूं मैं तस्किया करने आया हूं, तो जहन में आपके क्या होगा, मनान शुरू हो जाएंगे, मिजुक शुरू हो जाएगा, या वहां झूमना शुरू हो जाएंगे, कबाली शुरू हो जाएंगे, तस्किया हो रहा है जनाब, सुभान अल्लाह,
चलो छोड़े, बस वहां जिक्र हो जाएगा, खाली जिक्र ही हो जाएगा, ये भी तस्किया नहीं है। डजंट मीन, तो आखिर है क्या? हम किसी शेख के पास जाते हैं, तस्किया है क्या? मतलब कैसे समझे कि मैं पाक हो रहा हूं या पाक होना है? ये बताती है आयत। पाक होने का मतलब यह है कि जो कुरान हकीम हमें नबी पाक ने दिया है, बताया है, पढ़ के बताया है, हिकमत की बातें बताई हैं, उसमें फिका बताया है, जो शरीयत बताया, और जो कल के सुन्नत के तरीके में बताया हमें कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो, नमाज पढ़ के बताई है, हर तरीके से करके बताइए, रफादैन भी किए, हाथ भी बांधे, ऊंचिया मीन भी किए, नीचिया मीन भी किए, इस पर कोई झगड़े की बात नहीं है, ये तो फिक्र ही मसले हैं, ये कोई इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं नमाज को बजाय खाना खाने के मुंह करने की तरफ किसी और मुंह तरफ नमाज पढ़ना शुरू कर दूं, अबाउट टर्न नहीं कर जाऊं किसी पूरे अपने दीन को, तो आजकल यही हो रहा है ना कि दीन को हमने बिल्कुल फेर दिया है बड़ी आसानी के साथ। तो अब जुलूसों के साथ आप देखते ना, खाना खावे भी चलता है और रोजे मुबारक भी चलता है, उसके साथ केक कटते हैं, क्योंकि समझते हैं इसमें सवाब है, हम आशिक हैं, हम सब कुछ मना रहे हैं। मैं किसी पर एतराज नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि क्या कुरान ये कहता है? कुरान तो कहता है मनाओ ये दिन, बहुत बड़ा आसान का दिन है, पर सुभानअल्लाह तो खुद कह रहा है कि तो मैंने बहुत बड़ा एहसान किया तुम पे, मैंने अपने नबी को भेजा, तो जिस दिन अल्लाह ने अपने नबी को भेजा एहसान किया कि उस दिन को मनाए ना, जरूर मनाए, मनाना चाहिए डेफिनेटली इसको। उस मनाना क्या होता है? उस दिन को याद करना कि अल्लाह के नबी आज तशरीफ लाए थे, लेकिन कैसे, वो हम जमाने से बहुत दूर हो चुके हैं, तो हम पर लाजिम है, जिसे अल्लाह एहसास हमारा जगा रहा है, रिमाइंड कर रहा है कि मैंने तुम्हें इतनी सारी नेमतें भेजी, ये एहसास दिला रहा है ना हमें, आज कुरान एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हें नेमतें दी हैं, तुम भूल रहे हो उसको। तो इसी तरीके से अल्लाह के नबी के इस दिन को मनाया जाए कि हम भूल चुके हैं हकीकत में नबी आए क्यों थे, उन चीजों को याद करके मनाया जाए कि अल्लाह के नबी मौजूद आए, तशरीफ लाए थे। जी मनाना है, जरूर मनाए, अल्हम्दुलिल्लाह, आर्टिफिशियल नहीं, हकीकी मनाए, हकीकी, जैसे अल्लाह ने याद दिलाया हमें, मैंने तुम्हें नेमतें दी थी, अल्लाह याद करा रहे, एहसास दिला रहे हैं कि तुम भूल चुके हो, तो इसी तरह तुम बहुत दूर चले गए हम, तो अल्लाह के नबी के इस दिन को मनाना ये बहुत बड़ा आसान है। कैसे मनाना? कि वो जो तरीका अल्लाह बता रहा है कि उस एहसास को जगाओ, बेदार करो अपने आप को कि ये तुमने क्या किया, तुम किस तरह शुक्र अदा कर रहे हो उस नेमत का, और फिर उस चीजों को जिस तरह शुक्र अदा करना चाहिए उसकी तजदीद करो। आज के दिन बैठ के तजदीद करोगे, अल्लाह के नबी को याद करोगे और उस बातों को याद करोगे, तो ये अल्लाह के नबी के दिन को मनाना है। मना कब किया अल्लाह ताला ने? लेकिन तरीका है ना, तो मनाना कैसे हुआ भाइयों? सुभानअल्लाह, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हें जो किताब लेकर आया था, जो मैंने फिका तुम्हें दी है, जो शरीयत दी है, और मैंने जो करके दिखाई है सुन्नत, मेरा तरीका जो है सुन्नत शरीफा, जिसको सुन्नत कहते हैं, हर वो फेल जो अल्लाह के नबी ने हमें करके दिखाया है और हुक्म दिया ये करो, ऐसे करो जैसे मैं करता हूं, तो जब उन चीजों को हम करेंगे, तस्किया करो, कैसे तस्किया करो कि जो कुरान मैं लेकर आया था और जिस कुरान में मैंने बातें बताई तुम्हें, क्या बताई, मेन चीज क्या है, कुरान क्या हमें बताता है, हराम और हलाल, कि जो चीज अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि ये हलाल है, हलाल से मुराद क्या है, ये तुम जायज है इसको करो, और जिस चीज से मना किया फॉरबिडन किसको मत करो वो हराम है। तो जब इंसान अपनी जिंदगी के अंदर उस किताब के अहकामात को सुन्नत के तरीके पर, शरीयत के तरीके अपनी जिंदगी पे लागू करता है और हराम और हलाल की तमीज पैदा कर लेता है और उससे अपने आप को बाज रखता है, उसके मुताबिक चलता है, तो फिर समझो कि उसका तस्किया हो रहा है। दैट्स मीन सूफिज्म का मतलब ये है।
کہتا صوفی سے. اس لیے ہم شیخ کے پاس جاتے ہیں. اگر شیخ کے پاس یہ ذکر علاج ہے, ذکر کیا ہے؟ علاج ہے. ذکر مقصود نہیں ہے, نہ نہ مبدا ہے. ذکر کیا؟ مبدا ہے, علاج ہے. کہ اس کے ذریعے اللہ نے دیا ہے, جس طرح میں نے آپ کو قرآن بتایا کہ ہمیں دیا ہے کہ ذکر کے ذریعے سے اللہ یاد آتا ہے. تو جب اللہ یاد آئے گا تو اللہ کی نعمتیں بھی یاد آئیں گی. جب اللہ کی نعمت آئیں گی, اس کی جو سب سے بڑی نعمت ہے نبی پاک, وہ بھی یاد آئیں گے. جب وہ بھی یاد آئیں گے تو آپ ہم سے سنتوں پہ عمل کریں گے. یہ سلسلہ ہے. تو اب ہم نے شیخ کے پاس گئی بھی اور ذکر بھی شروع کر دیا, تو اب اگلا سٹیج ہمارا کیا ہے کہ کیا ہم پر وہ چیز اب پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے کہ ہم حلال حرام کو سمجھنے لگے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے لگے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا تزکیہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اگر ہم کھلا ذکر بھی ٹک گئے ہیں, بس ذکر کیے جا رہے ہیں اور اگلا ہم اپنا محاسبہ نہیں کر رہے, اسی لیے ہم نے تزکیہ شیٹ دی جاتی ہے. لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے, تو سمجھتے ہیں ہم ذکر کراتے ہیں, ذکر کر رہے ہیں بخشے. میرے بھائی بالکل نہیں ہے, بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ منزل نہیں ہے. منزل ہم نے حاصل کرنی ہے. اور وہ منزل کیا ہے تزکیہ؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو خدا نے اترے ہیں حرام اور حلال کا, بعین اس پر اپنی زندگی گزار لیں. وہی لوگ کامیاب ہوں گے آخر میں. اسی کو ذاکرین کہا جاتا ہے. یاد رکھیے, ذاکرین کے جو لفظ ہے کہ ذاکرین کے آٹھ دروازے ہوں گے, آج ذاکرین جنت میں جائیں گے. تو وہ ذاکرین ہوں گے جو اپنی منزل تک پہنچ چکے ہوں گے. بولے سبحان اللہ. جناب آپ منزل کی طرف چلے ہیں ہم اللہ کے حکم سے, لیکن کیا ہے کہ صحیح راستے پہ ہیں. تو انشاءاللہ اگر راستے پہ چلتے رہیں گے, ذکر کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے, اپنے شیخ کے ساتھ صحبت رکھیں گے, چلتے جائیں گے, اور وہ نیت سامنے رکھیں اپنے کہ ہم نے حلال حرام کو اپنی زندگی میں لانا ہے, اس سے فائٹ کرتے جلائیں, انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مفلین ہو کے اٹھو گے. ہمت نہیں آنی چاہیے. اگر آج نہیں ہو تو کل ہوگا. کل پر راستہ نہیں چھوڑنا ہم نے, کیونکہ ہم راستے چل پڑے ہیں. جیسے آپ نے لندن جانا ہے, لندن کا آپ کو راستہ صحیح مل گیا ہے. اب آپ کی گاڑی سلو چل رہی ہے, رک رہی ہے, پنچر ہو رہا ہے, لیکن آپ اس راستے کو نہ چھوڑیں, انشاءاللہ ایک دن پہنچ جائیں گے آپ. پیچھے کتنی آپ کی ڈبا گاڑی ہے, بہت ہی بوکس قسم کی گاڑی ہے, اور بڑی بڑی گاڑیاں آپ کے سامنے سے گزر رہی ہیں. آپ پرواہ نہ کریں, بس آپ کہیں راستہ میرا صحیح ہے, آئی ایم آن دا رائٹ پاتھ, میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں. آج نہیں کل نہیں, تیز والے بھی جا رہے ہیں تو میں بھی پہنچ ہی جاؤں گا انشاءاللہ. لیکن جس کو راستہ ہی نہ ہو وہ کیا کرے گا, وہ کیسے پہنچے گا؟ عین بھائی راستہ جو اللہ نے بتایا ہے, جو آپ کو کہاں تک لے کے جائے گا, سبحان اللہ, حرام اور حلال مکمل طور پہ انسان کی زندگی میں آ جائے گا. یہ حرام چیز ہے, یہ غلط چیز ہے, یہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. کہ جہاں حرام ہوگا اس کے ساتھ سزا ہوگی, یاد رکھیں. جو فوربڈن چیز ہوگی اس کے ساتھ سزا ہوگی اگر وہ کام نہیں کریں گے, اگر وہ کام کریں گے اس کے ساتھ انعام ہوگا. یاد رکھیں, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کام کرو. میں کہتا ہوں نبی تم سے کہتا ہوں یہ کام کرو, ہم وہ کام نہیں کرتے. اگر وہ کام نہیں کریں گے اس کے ساتھ عذاب ہوگا, وہ کام کریں گے اس کے ساتھ ثواب ہوگا, ہمیں اللہ تک پہنچتا کر لے جائے گا. من حب سنت یا حب بنی, اللہ کے نبی نے فرمایا. کتنی بڑی گارنٹی دی ہے کہ تو اگر میری سنتوں سے محبت شروع کر دے گا, عمل شروع کر دے گا میری سنتوں پہ, میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھ سے محبت شروع کرتا ہوں. لیکن شیطان نفس نے جگڑ لیا ہے, ہزاروں تعبیر نہیں, سنت تو ضروری چیز نہیں ہے. سنت تو فرض واجب, یہ تو ایک ہم نے اصطلاحیں بنا لی ہیں. یہ تو اصطلاح ہے, ایسی بات نہیں ہے حقیقت میں. قرآن کیا کہتا ہے سنت کے بارے میں؟ عجیب, دیکھیں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو کہ سنت کا کتنا بڑا انعام دیا اللہ پاک نے. نبی پاک نے سنت کا کتنا بڑا انعام ہے آپ دیکھیں. یہ جس میں نے پڑھی فتبنی جو بھی کو ملا, اللہ نے اپنے نبی کی سنت کی اطاعت پر, سنت پر چلنے کا انعام کیا دیا ہے؟ خوب, یعنی اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے, محبوبیت کا درجہ دیتا ہے, محبوب بنا لیتا ہے. تو یہاں ایک ذرا پیارا نقطہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ ساری سنتوں پہ عمل کریں گے ہم ساری زندگی کوئی نہیں ہوں گے تب محبوب بنیں گے. بولے سبحان اللہ. یہ خیال آتا ہے نا, فتبونی جو اللہ.
तो अब अल्लाह ताला की तुम्हारे सुन्नतों पे अमल करोगे तो महबूब बनाऊंगा, इसका मतलब है हम पता नहीं कब तक हम सारी सुन्नतों पे अमल करेंगे, कभी ये छूट जाती है, कभी ये रह जाती है, कभी वो रह जाती है, कभी ये हम करना भूल जाते हैं, कभी वो गलती हमसे हो जाती है, इसमें इस्तग़फ़ार तो होगी ना तभी काम बनेगा। तो ये क्या किस तरह होगा कि सुन्नतों पर सुभान अल्लाह क्या बात की तारीफ़ी ने उनकी, उनके हवाले से पेश करता हूँ बात, अजीब व गरीब बात फरमाई उन्होंने, कहते हैं ऐसा नहीं है, ये आरफों के कश्फ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं ऐसा नहीं है, हकीकत तो बहुत बड़ा खुशखबरी अल्लाह पाक ने दे दी, कितनी यानी कितना महबूब है वो पैगंबर, उसको अल्लाह की अल्लाह ताला को अपने नबी की अदाएं कितनी महबूब हैं कि कितनी बड़ी उसने खुशखबरी दी है हर मोमिन को, कि जिस वक्त इंसान किसी भी सुन्नत पे अमल कर रहा होगा तो उस वक्त वो अल्लाह का महबूब होता है। यानी कि आप बाहर निकल रहे हैं और आपने जूते को उस तरह पहन लिया जैसे कि नबी पाक की सुन्नत है, तो फरमाया जिस वक्त वो सुन्नत तुम अमल कर रहे होगे तो उस वक्त तुम महबूबियत के दर्जे पे होगे, और उस सुन्नत को अदा करते अगर मौत आ गई तो यकीन तुम्हें अल्लाह ताला अपने महबूब को दर्जा अता फरमा। ये है सुन्नत मेरे भाइयों, तो कितना फुकदान हो जाएगा, एक जमाना ऐसा आएगा इतना फुकदान हो जाएगा, एक चीज ऐसे आएगी अल्लाह ताला का, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कोई अमल करने वाला नजर ही नहीं आएगा, इस कदर गिर जाएगी ये चीज, बस कुरान 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 को लिए फिरेंगे, कहते नहीं हमें पता ही नहीं शरीयत सुन्नत क्या होती है, बस कुरान को पकड़ ले, कुरान को पकड़ लिया जाएगा, अल्लाह कुरान को समझ नहीं सकता बगैर नबी पाक की सुन्नत के, तो मैं कुरान कह रहे हैं आपसे किताब और हिकमत साला हुई, कुरान ही कहते सब चीजें लेके कुरान है, तीनों दर्जों में कुरान से बात बनी है, वो तो लाए एक चीज है अल्लाह के नबी लाए एक चीज है, वो कुरान की तशरीह हमने अपनी जात से की, उसका नाम सुन्नत है, उसी कुरान की जो तशरीह फरमाई है उसी का नाम सुन्नत है, और क्या चीज है, उसको कुरान कहते हैं और तशरीह को सुन्नत कहते हैं, तो फर्क क्या हुआ, नमाज का हुक्म उदाया है तो नमाज अल्लाह के नबी की तरह नहीं पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी आपकी, फजर आप कहेंगे हम चले फजर आज बड़ा अच्छा दिन है चला आज ईशा के बाद पढ़ लेंगे, फजर हो जाएगी, क्यों क्या हर्ज है इसमें, यह हर्ज क्या है, अल्लाह नबी ने बताया है, वक्त बताए, जिब्रील से तशरीफ लाए, नमाजें पढ़ के बताई, ये फजर ये जोहर ये असर ये मगरिब, अगर ये ना करके बताते ये सुन्नत ना होती तो मुझे बताएं नमाज कैसे पढ़ते हुए ना, बताएं कोई तरीका नहीं, और उसके बाद फिर फुका पैदा किए अल्लाह ताला ने, आइमा पैदा किए तशरीह करने वाले सुभान अल्लाह, इमाम बुखारी पैदा किए, इस तरह से इंसान पैदा किए जो दीन हमें दे गए, तो ये है मामला, इंसान कामयाब वही होगा जो नबी बंगे सुन्नत पे अमल करेगा, सुन्नत का ये नहीं है, मुसलमान जहां भी जाए तो दीन तो नहीं बदल सकता, बदल गया या साल बदल जाए तो दीन बदल गया, दीन तो वो ही है जो एक दफा अल्लाह ने बना दिया, अगर मैं जिस मुल्क में जाऊंगा जहां भी जाऊंगा मैं तो अपना दीन ही प्रैक्टिस करूंगा, और जहां जाऊंगा उनको समझाया जाएगा कि हम ये हमारा दीन है जनाब, कोई झगड़े की बात नहीं है, हम आपके साथ कोई मुखालफत तो है ही नहीं हमारी, हम तो अपनी दीन पर अमल कर रहे हैं, हाँ कोई आपके लिए इसमें तकलीफ हो आपको नुकसान पहुंच रहा हो हमारे दीन की वजह से वो आप बताएं, बोले सुभान अल्लाह, हमारी नमाज पढ़ने से आपको नुकसान है तो आप हमें बताएं, हमारी इमामों से आपको नुकसान है तो आप बताएं, हमारी दाढ़ियों से आपको नुकसान है तो क्यों बताएं, जी नुकसान तो कोई नहीं, लेट अस प्रैक्टिस देम, अगर आप हमें प्रैक्टिस नहीं करने देंगे जाहिर है फिर हम यहां से चले जाएंगे, अब क्या करें फिर, वो कांट लीव दिस कंट्री, हम तो इसलिए आए हैं कि हम अपने जहां भी जाएं हमारा तो हुक्म ये है कि तुम मुसलमान हो, और मुसलमान के साथ क्या चलता है, बोलें क्या चलता है, कुरान चलता है और अल्लाह के नबी का फरमान चलता है, तो कुरान का हुक्म ये है और अल्लाह के नबी का फरमान ये है, अल्लाह के नबी का फरमान ये है, हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे, अगर आपको इससे हमारी कोई तकलीफ है, कोई रुकावट है, कोई परेशानी है तो आप बताएं हमें, बोले सुभान अल्लाह, वो कहेंगे परेशानी तो कोई नहीं, तो क्या आप अच्छे नहीं लगते, सुभान अल्लाह, हम क्या करें अच्छे नहीं लगते तो ये आपकी पसंद है, अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो हम क्या करें, अगर हमें कहते हैं हम आपको कहते हैं आप हमें अच्छे नहीं लगते तो कच्ची बात है,
आप हमें पसंद करें, हम आपको पसंद करते हैं, हम तो आपको बुरा नहीं कह रहे, हम तो आप पे कोई एतराज नहीं कर रहे, आप निकर पहने, पतलून पहने, नंगे फिरे, आगे फिरे, पीछे फिरे, हमें कोई एतराज नहीं। जब हमें आप पे तो आप भी एतराज ना करें। कितना अच्छा दीन है ये, तो कम दीन कम बोलिए हो, दीन तुम्हारा, दीन तुम्हारे साथ है, हमारा दीन बोले हमारे साथ। अगर हमारा दीन पसंद आए हम आपको समझाते हैं, बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के सिवा कोई वहदानियत नहीं, समझे ना, बाकी सब शिर्क होता है। जितने भी नबी हैं हम सब नबियों को मानते हैं, हज़रत ईसा को नबी मानते हैं, मूसा को नबी मानते हैं, ये सब हमारे नबी हैं, नबी हैं, नबी वाले दर्जे पर हैं। अगर हम इनको नबी नहीं मांगे मुसलमान नहीं है, हम तो सबको रिस्पेक्ट देते हैं, तो हमसे हमारी बात भी सुन ले, हमारी दावत भी अगर पसंद आए तो कबूल कर लें अल्हम्दुलिल्लाह, ना आए तो फिर लेकिन दीन को वाली होती है, आपका दीन आपके साथ, हमारा दीन, हम अपनी मस्जिद में बैठे हैं, आप जो चाहे करते फिर। कभी झगड़ा होगा भाई हो तो ये झगड़े कौन लोग करते हैं, वो लोग करते हैं जो दीन पे नहीं चलते, दे आर सो कॉल्ड मुस्लिम, दे नॉट रियल मुस्लिम। सच्चा मुसलमान कभी झगड़ा नहीं करेगा किसी से, कभी किसी मजहब से झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि हमारे नबी की सुन्नत यही है। नबी पाक ने कभी ऐसा झगड़ा किसी यहूदी से नहीं किया, नसार से नहीं किया, काफिर से नहीं किया, कुछ नहीं किया, अपना दीन पेश किया है। हमारे दीन में सख्ती है ही नहीं, तो ये कौन लोग हैं जो ऐसी चीजें पैदा कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो चीजें पैदा कर रहे हैं, नबी की सुन्नत नहीं है, ये शरीयत नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये यकीनन बीच में कुछ और लोग हैं जो कहते हैं अपने आप मुसलमान, दे आर नॉट मुस्लिम, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग कुरान, वो नहीं प्रैक्टिस करते सुन्नत को और कुरान को, तो फिर वो ऐसी चीजें पैदा करते हैं इस्लाम के अंदर, एंड दे आर डूइंग दिस थिंग। इमामे वाले नहीं है, ये दाढ़ी वाले नहीं है, ये लिबास पहनने वाले नहीं है, उनसे बात करके देखें वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप उससे ज्यादा आपको अच्छे आदमी मिलेंगे कहीं नहीं आप, क्योंकि हमारा दिन तो ईमानदारी सिखाता है, दीनदारी सिखाता है। कहीं नहीं कहा कि जिस मुल्क में चले जाओ उस मुल्क के कानून को फॉलो करो, हमें ये नहीं कहा कि तुम उस मुल्क में जा रहे हो, नहीं, उस मुल्क के कानून को फॉलो करो, जो कानून होता है उसके मुताबिक चलो, अगर वो तुम्हारे दीन से नहीं टकराता, हर चीज उनकी मानो जैसा वो कहते हैं, उनकी माशियत को, उनके हुक्म को, उसके कानून को, उनके टैक्स को, पूरा टैक्स दो, पूरे वेटे दो, सब उनके साथ मिलकर, दैट्स व्हाट इस्लाम। तो हमारा दीन लड़ाई सिखाता है, झगड़े सिखाता है, फसाद मचाना सिखाता है, मारधाड़ सिखाता है, जलाना सिखाता है, और फिर नहीं तो जो सच्चा आदमी, सच्चा सूफी होगा, सादिक इंसान होगा, जिसकी सोबत अच्छी होगी, वो कभी अपने मुरीदों को चीज नहीं सिखाएगा, नेवर एवर, वहां से आपको दीन मिलेगा। हाँ, वो आपकी मर्जी, हमारे दीन को आप पसंद ना करें वो कहां से नहीं थे, लेकिन दीन यही है इस्लाम। कौन सा सुभान अल्लाह, कि जो नबी भेजा जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि सबसे बड़ा मेरा एहसान है, तो दो इंसानों पे लागू आ गया कि अल मोमिनीन, बिलखसूस अल्लाह ने मोमिनीन को खिताब फरमाया कि तुम्हारे पास तो किताब आई है, तुमने तस्लीम किया है, तुमने तो माना है कलमा पढ़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर तुम उनकी सुन्नतों पे क्यों नहीं चलते, उसकी शरीयत पे क्यों नहीं चलते, तुम्हारे एहसास क्यों मुर्दा है, अल्लाह ताला कहता है कौन से दिन मनाते हो तुम, इसका हिसाब होगा हमारे से। तो मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, तो इस मैसेज को हम याद करें, हाय हम इस दिन को मनाएं, 12 रबीउल को जरूर मनाएं, रबीउल जरूर मनाएं, लेकिन इस तरीके से आओ तजदीद अहद करें। तजदीद अहद क्या, दोबारा अपने आप को हम रिफाइंड करें, रिफ्रेश करें कि अल्लाह ताला हम वाकई बहुत सी चीजों में पीछे रह चुके थे, अब हम जो काम करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर अकॉर्डिंग टू द सुन्नत और शरीयत करेंगे जो अल्लाह के नबी लेकर आए थे, क्योंकि इतना बहुत बड़ा आसान है, इस आसान को तुमसे पूछेगा कि तुमने क्यों नहीं नबी सुन्नत को फॉलो किया, उसके तरीके पे तुम्हारा चलना फिरना उठना जाहिर बातिन अपीरेंस इनसाइड सारा हमारा नबी सलफ के मुताबिक होना चाहिए, तब जाके हम इस एहसान का बदलाव चलेगा, वरना इस जो हमने बना लिए फंक्शन, जो अपने अपने हमने हिसाब बना लिए, इसका बदल ये नहीं है। कुरान जी कहता है कि बहुत बड़ा आसान है कि तुम्हें उम्मती बनाया, उम्मती बनाया नबी पाक ने, उम्मती बनाया, अब हम पे ये है कि इस आसान को उतारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दें, और वही फॉलो सुन्नत और शरीयत अपने।
اللہ پاک ہم سب کچھ پہ چلنے کی توفیق نصیب ہو. آئے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام على سید المرسلین شفیع المظلمین طه یسین الحبیب المبین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واشرنا يوم القيامة مع الإيمان. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافي البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.